तो ये हमारा बाइक का लो बीम है। अब ये बाइक का हाई बीम देखिए, ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है और इधर भी ब्राइट दिख रहा है, इतना ब्राइट नहीं है। और वीडियो लोकेशन में जो कुछ ऐसे ली है जिससे आपको आइडिया है कि डार्क में भी और सिटी में भी कैसा आएगा। तो अब हम इसकी लो बीम चालू कर सकते हैं। ये देखिए लो बीम फोकस हो जाए, ये लो बीम और ये हाई बीम। मेक श्योर कि आप वीडियो एंड तक देखें तो आपको पता चलेगा कि इस इंस्टॉल करने में हमको क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आए और हमने उसका सॉल्यूशन क्या ढूंढे। सो चलिए इंस्टॉलेशन स्टार्ट करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम इंस्टॉल करने वाले हैं ये फॉग लाइट्स हमारे होंडा हाइनेस में। तो ये रहा इसका बॉक्स, वायरिंग हारनेस के साथ इंस्टॉल करने वाला हूँ। और द रीज़न मैं इंस्टॉल करने वाला हूँ कि होंडा हाइनेस की जो हेडलाइट है उसका थ्रो उतना अच्छा नहीं है, रात में बराबर नहीं दिख पाता। पर अगर आप इसको अलाइन कर देंगे बराबर, जो मैंने किया था, तो सिटी में यूजेबल है। पर अगर जब मैं गाड़ी हाईवे पे निकालता हूँ रात को, तो विजिबिलिटी इज़ नॉट दैट ग्रेट। इसलिए मैं इंस्टॉल करने वाला हूँ ये लाइट्स। तो इसके इंस्टॉलेशन करूँगा मैं फोर्क पे। उसके लिए मैंने ये लिए है क्लैंप्स, तो अब भी हम ये क्लैंप इंस्टॉल कर देते हैं। उसके बाद फॉग लाइट इंस्टॉल करेंगे। स्विच का देख रहा था मैं, स्विच कहाँ इंस्टॉल करूँ, तो स्विच भी देख लेते हैं किधर इंस्टॉल करने का। और चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके साथ ये एक्स्ट्रा एलन की बोल्ट आता है और ये हमारे क्लैंप्स, और हम इसके लिए यूज़ करने वाले हैं 5 नंबर के एलन की। तो ये निकालना है और ये इंस्टॉल करना है। ओके ग्रेट, रिफ्लेक्टर नहीं गिरा, रिफ्लेक्टर जगह पे है। अभी इधर ऐसे आएगा, उसके साथ स्पेसर्स भी आएंगे यहाँ पे, और इसके पहले ये वाइसर लगाना है यहाँ पे। ये निकाल लेते हैं, ये आएगा इधर ऐसे इसके ऊपर, और ये आएगा ऐसे इधर। एक साइड कर दिया है, ये गया इधर, अब इसको टाइट कर लेते हैं। सो मैंने इसको बिठा दिया है, लूज है, अभी हिल रहा है। तो मैं क्या करूंगा, नीचे का स्क्रू टाइट कर दूंगा बस, और ये लूज ही रखूंगा क्योंकि हमको रात को इसके अलाइनमेंट करने हैं। ये वाले लूज रखूंगा, मेन तो वायरिंग का ही है, ये उस साइड पे मैं बिठा देता हूँ मैं, और फिर हम वायरिंग पे आते हैं। तो अभी मैं टेस्ट कर रहा था, तो ये मेरा आफ्टर मार्केट गार्ड है। तो इशू क्या आ रहा है, ये देखिए इस लाइन में आ रहा है। तो जब भी गाड़ी ऐसे टर्न लेते हुए एकदम यहाँ पे टच करेगी, तो ये फॉग लाइट इधर इसको टच कर रही है। तो अब क्या करना पड़ेगा, हम इसको उल्टा बिठाएंगे फॉग लैम्प को नीचे के साइड, तो वही करना पड़ेगा, देखते हैं। मैंने क्या इसको उल्टा फिट किया है ऐसे, जिसकी वजह से ये मेरे लेग गार्ड को टच नहीं होगा। पर अब इशू क्या आ रहा है, इसका हाई बीम लो बीम जो फंक्शन है, येल्लो और वाइट, तो येल्लो लो बीम पे स्प्रेड होता है और हाई बीम पे वाइट दूर तक जाता है। तो अब ये यहाँ पे कैसे वर्क करेगा मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं वायरिंग कर देता हूँ रात को। अब अगर इससे भी नहीं हुआ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पत्ती लगानी पड़ेगी थोड़ा आगे लेके, और इसको इस लेवल तक लाना पड़ेगा फॉग लाइट्स को, इधर सामने। तो वो सामने लाने के बाद मेरा लेग गार्ड टच नहीं होगा। अगर आपका कंपनी का OEM गार्ड होगा तो OEM गार्ड से तो ये इशू नहीं आएगा, क्योंकि मेरा ये मैंने बाद में लगाया था, मतलब कंपनी से लगाया था शोरूम से। पर ये होंडा का नहीं है, ये आफ्टर मार्केट है, इसकी वजह से यहाँ पे ऐसे सीधा लगाने का टच हो रहा था। तो स्विच के लिए मुझे बेस्ट पोजीशन यही लगी, क्योंकि इधर गैप में तो बिट नहीं रहा था बराबर, और मैं अगर इसको साइड में लेके कर लेता तो मेरे को क्लच दबाने में हार जाता, और बहुत इधर कर लेता तो ये यहाँ पे टच हो जाता। तो यही पे एक बेस्ट ऑप्शन लगा मेरे को स्विच लगाने का। और इधर के ही कंपनी के ये स्ट्रैप से इसको ऐसे लिया है और यहाँ पे ऐसे छोड़ दिया है। अब जो कनेक्शन करना है हमको हार्नेस के साथ करना है, तो देखते हैं अब। तो अब मैंने नंबर प्लेट निकाल ली है, क्योंकि हमको हेडलाइट के अंदर से कनेक्शन करना है, इग्निशन कहाँ से देखना है देखना है। पर वो निकालने के लिए नंबर प्लेट भी निकालनी पड़ेगी, नहीं तो ये निकलेगा नहीं। यहाँ पे भी एक एलन नट का स्क्रू था, और यहाँ एक साइड पे वो निकालने के बाद ये हेडलाइट
बाहर आ गई। अभी हम इसको डिस्कनेक्ट कर देंगे और देखेंगे वायरिंग किधर से लेनी है। तो ये रहा हमारा फ्लैश एक्स जो हमने थोड़ी दिन पहले इंस्टॉल किया था। तो ये देखिए पॉजिटिव वायर जाएगी इधर पॉजिटिव टर्मिनल पे, नेगेटिव इधर, और ये इसका फ्यूज़ बॉक्स है, ये हम इसके अंदर प्लेस कर देंगे। और ये इसके दो रिले है साथ में, ये यहाँ पे स्विच का वायर लगेगा। और जैसे ये दो सिमिलर है, यहाँ पे हमारा फॉग लाइट का कनेक्शन होगा। तो देखा जाए तो ये देखिए ये वायर इतनी लंबी है, सो इसके अंदर किधर तो मैं रिले का कनेक्शन कर देता हूँ, क्योंकि हेडलाइट के अंदर तो बिठेगा नहीं है, बहुत बड़ा है। देखते हैं हेडलाइट के अंदर बिठा तो अच्छा है, हेडलाइट नहीं तो इधर ही यहाँ पे जिप टाई कर देंगे इस बैक साइड पे। ओके, मैंने इधर से डोम के अंदर वायर तो खींच ली है, अब मैं इस पे रिले बिठाऊंगा और देख लूँगा कि ये हेडलाइट मेरी बिठ रही है कि नहीं। मैंने हेडलाइट निकाल के रखी है, वो इसके अंदर बिठ रही है कि नहीं, नहीं तो हमको ये रिले को इधर प्लेस करना पड़ेगा नीचे किधर तो। और ये रहे, इधर से वायरिंग करेंगे हम इसका, रेड रेड में होगा इसके करंट, मैं वोल्ट मीटर से चेक कर लेता हूँ। और इसके पहले के होंडा हाइनेस में यहाँ पे एक सॉकेट आता था कुछ इस प्रकार का, और मे बी उन्होंने नए मॉडल में ये वाला वायरिंग दे दिया है। तो इसके अंदर इसमें चेक करेंगे वोल्ट मीटर से, और इग्निशन का वायर सीधर सीधा इसके अंदर जाएगा, ऐसे इग्निशन का वायर इसके अंदर जाएगा। और बाकी का तो इधर कुछ कनेक्शन नहीं है, ये वायर जो निकले है इधर ये हमारे फॉग लाइट को कनेक्ट हो गए, और ये वाला स्विच को कनेक्ट होगा इधर। तो चलिए वायरिंग कर लेते हैं बाकी की। तो मैंने ट्राई किया, रिले अंदर थी तो वो अपनी हेडलाइट इसके अंदर नहीं बैठ रही थी, तो मैंने क्या किया रिले को बाहर ही ले लिया है और इधर किधर तो फिट कर देंगे उसको। बेसिकली इसमें रिले लगाने की ज़रूरत नहीं थी, इतने भी पावरफुल लाइट नहीं है, डायरेक्टली इधर से कनेक्शन हो जाता। पर मैंने क्या किया, अगर ये मैं बाद में अगर अपग्रेड कर दूंगा, ज़्यादा वोल्टेज वाले लगाऊंगा, तब मेरे को रिले लगानी पड़ेगी, इसलिए मैंने पहले ही प्रिकॉशनरी करके पहले ही रिले लगा दिए। इसको रिले की ज़रूरत नहीं है, ये डायरेक्ट भी चल जाते हैं। तो वायरिंग देखिए, ये है अपने फॉग लाइट के वायर्स, रेड येलो और ब्लैक, तो ब्लैक को ब्लैक आएगा, येलो को ग्रीन और रेड को रेड। सेम ये उस साइड के फॉग लाइट का है और सेम इस साइड के फॉग लाइट का। और स्विच में मेरे को दिक्कत आई थी अभी, क्योंकि मैंने क्या किया था, अब ब्लैक को ब्लू के साथ कनेक्ट किया था और येल्लो के साथ रेड को भी येल्लो के साथ, तो स्विच वर्क नहीं कर रहा था। तो बाद में मुझे पता चला कि येल्लो को ब्लैक के साथ कनेक्ट करना है, आपको ये चेंज करके देखना है किसके साथ वर्क कर रहा है। तो अब मैं चाबी चालू करता हूँ, चाबी चालू की है, अब ये किया वर्क कर रहा है, दोनों इसके साथ वर्क कर रहा है अभी। मैं दिखाना भूल गया, इसमें ही करंट है रेड वाले में, तो मैंने रेड वाला को ये ब्लू वायर कनेक्ट कर दिया है ऐसे, तो इससे वर्क हुआ। वायर कटिंग कुछ नहीं किया हमने, सीधा इसके अंदर प्लग करके मैं इधर टेपिंग कर देता हूँ, क्योंकि ये लूज ना हो। तो ये ऑक्सिलरी लाइट के लिए दिया है, नहीं तो ऑक्सिलरी आपको कुछ बिठाना होगा, इसलिए ये कंपनी ने प्रोविजन दिया है। तो अब मैं इसको मास्किंग कर देता हूँ और पूरा यहाँ से जिप टाइट लगा के कर देता हूँ। और इसका एक ही इशू आ रहा है कि अब मैं उल्टे लगाया ना मैंने फॉग लाइट्स, तो क्या हो रहा है, लो बीम हो गई है वाइट और हाई बीम हो गई येल्लो, पर मेरे को वैसा नहीं चाहिए था। देखता हूँ मार्केट में जाके पत्ती बना के इसको फिर से ठीक कर देंगे, तो कुछ तो इसके अंदर खोल के कुछ अगर कर सकते हैं उल्टा तो वो देख लेंगे। तो पहले ये पैक कर लेते हैं पूरा और फिर देखते हैं कैसे करना है। तो हमारे पूरा इंस्टॉल करके हो गया है, मैंने हेडलाइट वापस लगा दी, नंबर प्लेट लगा दी, और ये देखिए जिप टाइज यूज़ किए हैं, ब्लैक कलर के होने चाहिए थे पर ब्लैक कलर के जिप टाइज मेरे पास नहीं थे छोटे साइज में। और साइड में देखिए जिप टाइज यूज़ किया है, ये है उसके रिले, उधर एक है, ये ऐसे ही ओपन रखे है क्योंकि चेंज करने में इजी जाएगी, कभी फ्यू शॉर्ट हो जाएगा तो।
ये पूरा वायर का गुच्छा है, ये अंदर टक इन कर दिया है, यहाँ से कोई इशू नहीं आएगा। यहाँ पे जिप टाई लगा दी है, और मेक श्योर कि यहाँ पे वायर ना आए वो, क्योंकि आप टर्न करते तब इधर ये टच हो जाता है। और अंदर से मैंने कुछ ऐसी ली है वायर, एकदम इंजन के पास से नहीं लेना है आपको वायर, थोड़े ऊपर से इस ये वायरिंग हारनेस है, इसके ऊपर से लेनी है वायर। ऊपर से लेके मैंने इधर से अंदर डाल दी है, सीट भी इंस्टॉल कर दी है। अब मैं आपको चालू करके दिखाता हूँ कैसे आ रहा है ये। चालू किया, ऊपर गया तो वाइट आ गया, नीचे किया तो येलो आ गया, वाइट येलो। अब इसको मैं अलाइनमेंट कर दूंगा रात को, और आपको मैं दिखा दूंगा। और मैं ट्राई करूंगा कि पत्ती वगैरह मार्केट में, लेकिन क्योंकि ये तो नहीं होगा, क्योंकि येलो ऊपर आ रहा है और वाइट नीचे आ रहा है। मेरे को उल्टा चाहिए था, पर मैं क्या करें, अब मैंने इस फॉगलेट को ही उल्टा बिठा दिया है। तो पत्ती लेके इसको सीधा कर देंगे, और इस फॉगलेट को थोड़ा सामने तक ले लेंगे, यहाँ तक तो ठीक लगेगा, ऊपर ऊँचा लगेगा थोड़ा। और बहुत लोग बोल रहे थे कि लेने वक्त कि ये क्यों नहीं लिया, मतलब इसके साथ एक और एक मॉडल आता है वाई सीरीज़ के साथ, जिसमें इनबिल्ट हार्नेस आता है, तो उसका इशू क्या आ रहा था। जिस सेलर से मैंने लिया, उन्होंने मुझे बताया कि उसके फेल होने के चांसेस आ रहे हैं, मतलब 2-3 महीने बाद वो बंद पड़ रहे हैं हार्नेसेस, तो इसलिए मैंने नॉर्मल हार्नेस लिया। उसका एक बेनिफिट ये है कि उसमें फ्लैशिंग मोड है, और आप दोनों मोड एक साथ यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अब मैंने चालू किया, ये वाइट है और ये येलो था, और ये वाइट है, तो ये दोनों मोड हम एक साथ यूज़ कर सकते हैं। इसमें भी हम वैसा कर सकते हैं, मैंने सिंगल स्विच बिठाया है। अगर मैं इधर ड्यूअल वाला स्विच बिठाऊंगा तो हम दोनों मोड एक साथ यूज़ कर सकते हैं, वो मैं बाद में कर दूंगा, मुझे अभी वो नेसेसरी नहीं लगा। तो हमारा वो इशू सॉल्व हो गया है। मैंने आपको दिखाया था पिछले वीडियो में उल्टा बिठाए थे फॉग लाइट्स पर, एक अब ध्यान रखिए, तो देखिए ये बिठाते वक्त उल्टा मैंने क्या किया था, इसको ही पूरा उल्टा कर दिया था। पर अब देखिए यहाँ पे वेल्ड है इधर एक, और यहाँ से इधर से अटैच है, तो अब जब आप फॉग लाइट को उल्टा बिठाएंगे तो इसको सीधा ही बिठाइए, फॉग लाइट को नीचे से उल्टा बिठाए, मैंने पूरा ही उल्टा कर दिया था, जिससे क्या होगा लोड आने पर ये ब्रेक होने के चांसेस है, इसलिए फॉग लाइट को उल्टा बिठा दिया, क्लैंप सीधा ही बिठाएगा। तो इशू कैसे सॉल्व किया मैंने, ये जैसे पता था ये लेग गार्ड को टच कर रहा था, तो मैंने क्या किया, यहाँ से एक मार्केट से पत्ती लेके आया, जेड पत्ती बोल के, वो इतनी लंबी थी, वहाँ पे 3 होल्स थे, तो मैंने सबसे पहले होल में इंस्टॉल किया और स्टार्टिंग वाले, तो इससे इशू क्या आ रहा था, फॉग लाइट तो इधर तक आ रहे थे, पर जब खड्डे में गाड़ी जा रही थी तो एक हिल रहा था, बिकॉज वो लंबी पत्ती थी। और तो इसलिए मैंने क्या किया, इस होल में इसको डाला, और एक्सेस मटेरियल मैंने कॉलेज में जाने के बाद वर्कशॉप में कट कर लिया, और घर पे आने के बाद इसको स्प्रे पेंट कर दिया। तो अब तो इश्यू सॉल्व हो गया है, अब ये टच नहीं हो रहा है लेग गार्ड इसको, क्योंकि लेग गार्ड इधर तक ही आ रहा है कि, तो अपने फॉग लाइट का इश्यू सॉल्व हो गया जैसे मेरे को चाहिए था, नीचे येलो बीम और ऊपर वाइट बीम। तो चालू करके दिखाता हूँ, ये हमारा स्विच काफ़ी अच्छा लग रहा है, और एकदम कंपनी फिटेड लग रहा है, एकदम मर्ज हो गया है उसमें। तो मेरे बहुत फ्रेंड्स क्या बोले जब मैंने इनको दिखाया बताया है, जब गया था करने, तो ले तूने लेग गार्ड पे क्यों नहीं, क्रैश गार्ड पे क्यों नहीं इंस्टॉल किया। तो क्या हुआ, मैंने इस पे ऑलरेडी 800 रुपये इन्वेस्ट कर दिए इस क्लैंप पे, तो मैं इसको ऐसे ही वेस्ट नहीं जाने दे सकता था। अगर मेरे को पता था कि ये इशू आने वाला है तो मैं इधर लेग गार्ड की ही क्लैंप बिठा था, और लेग गार्ड पे ही इंस्टॉल करता। और पर्सनली मुझे लगता है ये लुक काफ़ी अच्छा आता है सामने से देखने में, कि आपने इधर फॉग लाइट्स बिठाए हैं। तो मेक श्योर एक बार ये क्लैंप लेने से पहले, क्योंकि ये देखिए इसकी साइज़ बड़ी है इतनी फॉग लाइट्स की, तो उसकी वजह से टच हो रहा था, और जो कंपनी का लेग गार्ड है क्रैश गार्ड, वो इधर से आता है थोड़ा पीछे से, तो वो टच होने के चांसेस नहीं है, तो जैसे मुझे चाहिए था वैसा हो गया है। अब चालू की, ये एक इसकी लाइट है अपनी हेडलाइट की, और ये इसका हाई बीम, कुछ काम का नहीं है हाई बीम। फिर से मेरे को अलाइनमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने निकालने के बाद वो फिर से नीचे आ गया है। और अब जैसे मुझे चाहिए था, ऊपर वाइट नीचे येलो, तो सब प्रॉपर फिटिंग हो गई है, इधर का भी कुछ इश्यू नहीं आ रहा है। तो अब मैं रात को दिखाता हूँ आपको कि इसका व्यू कैसे आ रहा है, दोनों हाई बीम लो बीम करके।
तो करंटली आप देख सकते हैं हम इधर आए हैं वीडियो लोकेशन के लिए, और ज़्यादा इधर अंधेरा भी नहीं है और ज़्यादा रोशनी भी नहीं है, तो इससे आपको आइडिया आ जाएगा कि हेडलाइट का व्यू कैसा है और फॉग लाइट्स कैसे दिखेंगे। ये देखो ऐसे दिख रहे हैं हमारे फॉग लाइट्स नीचे। ये सिर्फ गाड़ी का हेडलाइट चालू है, ये लो बीम और ये हाई बीम, ये हाई बीम है। तो अब हम फॉग लाइट चालू करेंगे, देखते फॉग लाइट चालू किए कुछ ऐसा लुक आ रहा है इसका लो बीम में और ऐसा आ रहा है इसका हाई बीम में। मेक श्योर आप सिटी में लो बीम ही यूज़ करिए, सिटी में मत ही यूज़ करिए क्योंकि इसकी ज़रूरत सिर्फ हाईवे पे ही आएगी। हाई बीम आँखों को ज़रा तकलीफ दे सकता है पर लो बीम किसी की आँखों पे नहीं आएगा। तो कुछ ऐसा कुछ लुक आ रहा है गाड़ी का, काफ़ी प्रीमियम दिख रही है गाड़ी। और हम इसको एडजस्ट कर देता हूँ, यस ये इसका येलो में और ये रहा इसका वाइट में लुक। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो।